किसी को मन ही मन में बहुत पसंद करते हैं और उसका प्यार हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जिसको प्यार करते हैं वो किसी और को प्यार करता है और फिर भी आप उसका प्यार हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने प्रेमी या प्रेमिका जो आपसे किसी बात से नाराज हैं उनको मनाना चाहते हैं? क्या आप अपना खोया और बिछड़ा प्यार वापस पाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीरियसली टोटके चैनल में, जहां हम आपको दिखाते हैं टोने टोटके, ज्योतिष ज्ञान, वास्तुशास्त्र, धार्मिक ज्ञान, व्रत पूजन विधि और बहुत सारी स्पेशल जानकारी। हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। कैसे करें अपनी लव प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ एक मंत्र से? दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल, जिसको करके आप बहुत जल्द अपनी हर समस्या जो आपके प्यार के रास्ते में आ ही है उसका समाधान कर सकते हैं और अपना खोया और बिछड़ा प्यार हासिल कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। इस मंत्र को करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो इस प्रकार है: 7 पपीते के बीज, थोड़ा सा सिंदूर, केसर, 7 राई के दाने, थोड़ा सा चंदन पाउडर, 1 कागज, उस इंसान के पैरों की मिट्टी जिसका प्यार आप हासिल करना चाहते हैं, थोड़ी सी शमशान घाट की मिट्टी। इस विधि को करने का पूरा तरीका इस प्रकार है: सबसे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, फिर सामने कागज रख लें। सबसे पहले कागज पर 7 पपीते के दाने रख दें और उस पर शमशान घाट की मिट्टी लगा दें। उसके बाद उस पर इंसान के पैरों की मिट्टी लगा दें और उस पर थोड़ा सा सिंदूर और चंदन पाउडर भी डाल दें। फिर 7 राई के दाने अपने हाथ में लें और उस पर थोड़ा सा केसर डाल दें। दानों को हाथ में पकड़कर इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। कामख्य वर्दे देवी नील पर्वत वासिनी, त्वम देवी जगतम मातर यो निर्मुद्रे नमस्तुते। दोस्तों, याद रखें, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। अब अपने हाथ में लिए हुए दानों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और उनको सामने कागज पर रख दें। सारी सामग्री कागज में लपेट दें और सामग्री को किसी चौराहे पर छोड़ दें। अगली बार जब आप उस इंसान के सामने जाएंगे तो उसके व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि आपका उपाय काम कर गया है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए कुछ सावधानियां याद रखिए। इस विधि को शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद ही करें। ध्यान रखें, कोई ऐसा स्थान चुनें जहां विधि करते समय कोई बीच में विघ्न ना डाले। इस विधि को एक ही इंसान पर दोबारा प्रयोग ना करें। मंत्र का उच्चारण सही ढंग से करें। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया लव प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ एक मंत्र से। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार सीरियसली टोटके चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। देखते रहिए सीरियसली टोटके चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।